नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप बहुत सी प्रगति करना चाहते हो? क्या आप बहुत सक्षम और सफल होना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और एक एक बात को सुन के समझ के आगे काम में ले आए। तो सुनते रहिए, देखते रहिए। आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1। ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसके लिए मैंने दो पार्ट में इसको ब्रेक किया है। और ये चैप्टर कहता है कि अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए हो और उस लिस्ट पे अब एक एक लोगों से बात करोगे तो उनको आप कैसे इनवाइट करोगे आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस समझने के लिए, आपके व्यवसाय की समझ देने के लिए आप उनको कैसे निमंत्रण देंगे, इस विषय पे एरिक साहब ने ये चैप्टर में उल्लेख किया है। अब ये चैप्टर लंबा है तो इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया है। पहला पार्ट ये है कि इस स्किल को आपने बखूबी सीखना है, डेवलप करना है, और ये एक स्पेशलाइज्ड स्किल है। ये अगर आपको आ गई तो आप जीत जाओगे, ये अगर नहीं आई तो खेल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जिन जिन को आपने अपने नाम की सूची में डाला है उनमें से आप रेगुलर बेसिस पे व्यक्तियों से बात करते रहोगे और उनके साथ में एक कॉन्वर्जेशंस बनाओगे। अब जो बात करोगे वो ये नहीं कि भाई मैंने काम धंधा शुरू किया है, ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। पहले आपको उनकी जूतों में पांव रख करके सोचना होगा कि वो लाइफ के किस फेज़ में हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं। आपको उनके साथ में मित्रता बढ़ानी है, आपको उनको एक कॉन्फिडेंस देना है आपके प्रति कि भाई आप वाकई में उनकी एक वेल विश कर रहे हो, उनके शुभचिंतक हो, हितेशु हो, ठीक है। और ये आर्टिफिशियली नहीं जताना है, ये पूरी एक सच्चाई से, ईमानदारी से, पूरे हृदय पूर्वक आपने ये भाव रखने हैं, ठीक है। अब एरिक साहब ये कहते हैं कि जैसे जैसे आप मित्रता बढ़ाते जाओगे, आपका जो काम है, जो रोल है, वो एक किसान के तौर पे है। किसान जैसे बीज बोता है तो पूरे खेत में बीज बोता है, ठीक है। ये नहीं कि एक बीज यहाँ बोया, दूसरा बीज वहाँ बोया, ऐसे नहीं होता है, वो बीज की बौछार करता है। तो ठीक उसी तरीके से आपको भी देख देख के प्रॉपरली बीज की बौछार करनी है। अब पहले जब आप उनसे रिलेशनशिप बनाओगे, बढ़ाओगे, एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, फिर समय को ध्यान में रखते हुए कि भाई जब समय पक गया, एक समय पकता है कि आप उस व्यक्ति के समक्ष ये बात को रख सकते हो, ठीक है। अब एरिक साहब कहते हैं कि आप सीधे ही उनको बिजनेस के बारे में वैसे नहीं बताओगे, आप उनको बिजनेस को देखने के लिए जो टूल होता है, जो उपकरण होता है, जो वस्तु होती है, उसके बारे में बात करोगे और वह चीज़ को यूज करने के लिए प्रेरित करोगे। अब पहले के ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था तो लोग आपस में मिलते थे, एक दूसरों के या तो घर पे जाते थे या कोई बिजनेस पॉइंट में या किसी रेस्टोरेंट में मिलने बुलाते थे। तो अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो टूल है वो आप सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हो, पर वो देने के लिए आपने उतना रिस्पेक्ट अर्न कर लेना चाहिए कि अगर आप उसको कुछ बोलते हो या आप उसको कुछ बताना चाहते हो तो वो एक रिस्पेक्ट से आपकी बात सुने, समझे और उस पर थोड़ा सा ध्यान दे, ठीक है। दूसरा साहब ये कहते हैं कि अगर आप उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ चीज़ें दे रहे हो तो भी ठीक है, उससे ज़्यादा असरकार होता है जब कंपनी की कोई इवेंट होती है, कंपनी का कोई बड़ा सा
वर्कशॉप या बड़े से सेमिनार होते हैं, तब आप अपने प्रोस्पेक्ट को वहाँ ले जाएं, वहाँ पे इनवाइट करें। तो जब वो माहौल देखेंगे वहाँ पे कि भाई इस कंपनी के जो टॉप परफॉर्मर हैं वो स्टेज पे आकर के बातें करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उनका मान सम्मान किया जाता है, तब उनको भी वो भाव आएगा और वो चीज़ देखेंगे कि अगर मेरे साथ में भी ऐसा हुआ तो मुझे भी वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा और मुझे भी वहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। तो सेमिनार में बुलाना बेस्ट तरीका होता है। सेमिनार में उनकी जो इंटरेस्ट पैदा होती है जब वो लोगों को मिलते हैं, वो पूरा माहौल जो है, वो पूरा वातावरण जो है, वो एक जबरदस्त वातावरण होता है उनको प्रोत्साहित करने के लिए। अब एरिक साहब आगे ये कहते हैं कि जो फोकस होता है हर एक व्यक्ति का, वो एक नए व्यक्ति के तरफ हो और नए व्यक्ति को इतना प्रेरित प्रोत्साहित इस तरीके से करें कि वो जब कंपनी का प्रोडक्ट या कंपनी का बिजनेस देखे तो उसे कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी तरीके की बात हो ना हो जो उसे विचलित करे। ठीक है, अब एरिक साहब ये कहते हैं कि आप जितने ज़्यादा लोगों को मिलोगे, जितने ज़्यादा लोगों को बात करोगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप अपने प्रेजेंटेशन को शेयर करोगे, मतलब प्रेजेंटेशन के टूल को शेयर करोगे, उतना ही आपका सक्सेस रेट बेटर होता जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 जन को बात बताते हो और 40 लोगों ने सुना और 10 लोगों ने ज्वाइन करा, तो यू आर हैविंग 10 पीपल विद योर टीम। बट अगर आपने सिर्फ 10 लोगों को बात बताई, उसमें से 2 लोगों ने सुनी और एक ही व्यक्ति ने ज्वाइन करा, तो आपकी टीम एक ही व्यक्ति की बनी। तो साहब कहते हैं कि आप लिस्ट पहले बनाओ, उनके बाद लोगों को जस्ट रिलेशनशिप बढ़ाओ, उनसे अपने टूल के बारे में धीमे से बात करो और कोशिश ये करो कि वो आपकी बात सुने और रिस्पेक्टफुली समझें। ये करने से क्या होगा कि आपके अंदर का जो डर है 2-3 बातों का, कि एक मैं लोगों से क्या बात करूँगा, क्यों मिलूँगा, क्या करूँगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे आप जितना लोगों से बात करते चलोगे, वही सेम लिमिटेड बात स्टाइल जो है, वही बात को आपको नंबर ऑफ पीपल्स को करनी है, तो आपका वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका डर ख़त्म हो जाएगा, आपकी स्क्रिप्टिंग, आपकी बातें वो इम्प्रूव होती जाएंगी। अब एक ही चीज़ को आप अगर बार बार करोगे तो डेफिनेटली आप उसमें शार्प हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। तो एरिक साहब का, और ये अनुभव जो है एरिक साहब का, ये कोई 1-2 साल का नहीं है, ये एरिक साहब का लगभग 25-30 साल का अनुभव है। और इसी तरीके से उन्होंने हज़ारों की तादाद में लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट किया, रिक्रूट किया और उनके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ले आए। तो साहब इस बुक के माध्यम से अपने जीवन का जो निचोड़ है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, और वो ये एक्सपेक्टेशन करते हैं बुक के माध्यम से कि आप बुक पढ़ के या इस तरीके के वीडियो सुन करके इसको आप प्रैक्टिस में ले आएं, और प्रैक्टिस में लाने के बाद इस पे इम्प्रूव करें, अपना मानसिक एक स्ट्रेंथ जो है उसको आप बनाएं। और ये काम करने से होगा, सिर्फ बातें करने से या सिर्फ वीडियो सुनने से नहीं होगा, आपको इसको प्रैक्टिस में लाना ही है। और आज की तारीख में इंटरनेट होने के वजह से आप लोगों तक पहुँचें, इसकी कोई बाधा नहीं होती, और कितने नंबर ऑफ लोगों तक आप पहुँचें इसका भी कोई रुकाव नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप फेसबुक पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, यूट्यूब पे आएं, आपको लोग ही लोग मिलेंगे। सिर्फ एक ही बात की जो कमी रहती है नॉर्मली, वो होती है लर्निंग की और प्रैक्टिस की। तो आप लर्न करें, प्रैक्टिस करें, और ये ना सोचें या डरे कि भाई मेरा क्या होगा, अगर अगले ने किसी ने मना किया तो मेरा क्या होगा। आपको जो जवाब है, जो रिज़ल्ट है, उसको ध्यान में नहीं रखना है,
आपने जो गीता सार है, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत रखो, उसके ऊपर काम करना है आपने, कि भाई आपने नित्य में रोज 5 लोगों की सूची की, 5 लोगों को आपने बात की, एंड यू मूव ऑन, नेक्स्ट डे न्यू 5 पीपल, नेक्स्ट डे न्यू 5 पीपल, नेक्स्ट डे न्यू 5 पीपल। ऐसा करने पे पूरे साल में लगभग आप 1800-1900 लोगों को बातें करोगे, मिलोगे, और उन 1800-1900 लोगों में अगर ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ सिर्फ 50-60 लोगों ने भी अगर ज्वाइन किया, और सोचो कि उनके नीचे दूसरे 50 लोगों ने ज्वाइन किया अगले साल में, तो आपकी टीम जो है वो 2500 लोगों की हो गई। और यही अगर मैं तीसरे साल पे करूं तो आपकी टीम जो है वो तकरीबन 12000 लोगों की हो गई। अब इसमें मैं अगर ये भी कहूं कि चलो 12000 में 50% जो है वो फेल हो जाते हैं, तब भी आपकी टीम 6000 लोगों की है। सोचिए आप 3 या 4 साल में यू रीच टू अ टीम साइज ऑफ 6000 पीपल, यू विल चेंज योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को चेंज कर दोगे। पर हाँ, शुरू आपने करना है, आपको हेल्प मिलेगी हम जैसे लोगों की, और अपने आसपास में आप जैसे कई लोग हैं जो इस तरीके का नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं, तो उन सब के लिए रास्ते हैं। ज़्यादा कोई नहीं, मैं मेरे ओर से बोलता हूँ, इस चैनल की माध्यम से बोलता हूँ, आप मुझसे बात करें, मुझे बताएं, आई विल ट्राई एंड हेल्प एज मच एज आई कैन। तो इसी बात से मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करूँगा। जाने से पहले वही स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी, एक तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स रखें कि भाई आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब अगला वीडियो मैं ले आऊँ तो वो आप तक पहले पहुँचे। और आपके अगर कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, कोई एक्सपेक्टेशंस हो, तो कमेंट में ज़रूर से लिखें। आई विल बी मोर देन हैप्पी to help you out, and that's my only objective for the activities what I do. So thank you very much, God bless, aur milte hain agle video mein.